माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम का शुभारंभ करें। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 श्री ललित कुमार। कुश्ती प्रशिक्षक श्री ललित कुमार ने 2021 में टोक्यो जापान में आयोजित 2020 ओलंपिक खेल में रजत पदक जीतने वाले श्री रवि कुमार, 2023 में हांगशू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेल में रजत पदक लेने वाले दीपक पुनिया और 2023 में चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले अमन जैसे कुश्ती खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। श्री ललित कुमार को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। श्री आर बी रमेश, शतरंज प्रशिक्षक श्री आर बी रमेश ने 2023 में बाकू अजरबैजान में शतरंज विश्व कप के रजत पदक विजेता आर प्रज्ञानंद, 2019 में चीन के जिंगताई में एशियाई कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता कार्तिकेय मुरली और पिछले साल चीन में हुए 19वें एशियन गेम्स में रजत पदक लेने वाले सविता श्री भास्कर जैसे शतरंज खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। श्री आर बी रमेश को प्रशिक्षण क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री महावीर प्रसाद सैनी, पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक श्री महावीर प्रसाद सैनी ने 2021 टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में कांस्य पदक भाला फेंक F46 लेने वाले सुंदर सिंह गुर्जर और 2023 में हांगशू में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में कांस्य पदक पुरुषों की 1500 मीटर T46 जैसे राकेश बेहरा जैसे पैरा एथलेटिक्स को प्रशिक्षित किया है। श्री महावीर प्रसाद सैनी को प्रशिक्षण में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वर्ष 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। श्री शिवेंद्र सिंह, हॉकी प्रशिक्षक श्री शिवेंद्र सिंह ने श्री जेस पाटट्टू रविंद्रन, कृष्ण बहादुर पाठक, हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिसदास, जर्मनप्रीत सिंह, संजय, सुमित, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, नीलकांत शर्मा, गुरजंत सिंह, अभिषेक, मनदीप सिंह, ललित कुमार उपाध्याय और सुखजीत सिंह जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय हॉकी टीम ने 2021 में जापान में आयोजित 2020 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक और 2023 में हांगशू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। श्री शिवेंद्र सिंह को उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। श्री गणेश प्रभाकर देवरुक्कर, मलखम्ब प्रशिक्षक श्री गणेश प्रभाकर देवरुक्कर ने 2023 में भूटान में आयोजित विश्व मलखम्ब चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अक्षय प्रकाश और 2023 में भूटान में आयोजित विश्व मलखम्ब चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लेने वाले जहानवी सुरेश जैसे प्रमुख मलखम्ब खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। श्री गणेश प्रभाकर देवरुक्कर को प्रशिक्षण में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। श्री जसकीरत सिंह ग्रेवाल,
गोल्फ प्रशिक्षक श्री जसकीरत सिंह ग्रेवाल ने 2017 और 2018 में यूरोपियन एवं एशियन टूर में 2 खिताब जीतने वाले शुभांकर शर्मा, 2019 में एशियाई टूर में 1 खिताब जीतने वाले अजितेश संधु, ग्वांगचो चीन 2010 में आयोजित 16वें एशियाई खेल में 1 रजत पदक व्यक्तिगत जीतने वाले अभिजीत चड्ढा और 2011 में एशियन टूर जीतने वाले श्री हिम्मत राय जैसे गोल्फर्स को प्रशिक्षित किया है। श्री जसकीरत सिंह ग्रेवाल को उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। श्री जयंत कुमार पुशीलाल 2022 में बर्मिंगम इंग्लैंड में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण पदक महिला टीम और 1 रजत पदक महिला युगल जीतने वाले मोमा दास जैसे टेबल टेनिस खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है। श्री जयंत कुमार पुशीलाल को उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। चंद पुरस्कार 2023 देश की उत्कृष्ट बैडमिंटन खिलाड़ी सुश्री मंजूषा कंवर ने 1998 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित 16वें राष्ट्रमंडल खेलों महिला टीम में कांस्य पदक और 2004 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक महिला टीम हासिल किया। सुश्री मंजूषा कंवर को बैडमिंटन प्रोत्साहन के लिए और उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 का ध्यानचंद पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ियों में से एक श्री विनीत कुमार शर्मा ने 1982 में नई दिल्ली भारत में आयोजित 9वें एशियाई खेलों में 1 रजत पदक और 1986 में सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित 10वें एशियाई खेलों में 1 कांस्य पदक जीता है। 1984 में लॉस एंजल्स में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित ओलंपिक में भी भारतीय टीम के ये सदस्य थे। श्री विनीत कुमार शर्मा को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार जीवन पर्यंत प्रदान किया जाता है। उत्कृष्ट कबड्डी खिलाड़ी सुश्री कविता सेल्वाराज ने 2010 में ग्वांगजो चीन में आयोजित 16वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 2007 और 2008 में आयोजित दूसरी और तीसरी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। सुश्री कविता सेल्वाराज को कबड्डी प्रोत्साहन के लिए उनकी उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 का ध्यानचंद पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल। स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल ने 16 दिनों में 8000 मीटर की 2 चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी। उन्होंने द्रौपदी का डंडा 2 समिट पर रोप फिक्सिंग के लिए प्रमुख पर्वतारोही की भूमिका निभाते हुए हिमस्खलन में ड्यूटी के दौरान अपनी जान न्यौछावर कर दी। स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल ने पर्वतारोहण और साहस कार्यकलापों की 1 दशक लंबी अपनी यात्रा में अंतिम सांस तक दृढ़ता, साहस और उत्कृष्टता की एक शानदार मिसाल पेश की। श्री राधे श्याम कंसवाल स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल के पिताश्री ने
मरणोपरांत ये ग्रहण किया। श्री तुलसी चैतन्य मोथुकुरी ने इंग्लिश चैनल 15 घंटे 18 मिनट 45 सेकंड, जिब्राल्टर स्ट्रेट 4 घंटे 25 मिनट, पाक स्ट्रेट 8 घंटे 15 मिनट और कैटलिना चैनल 12 घंटे 40 मिनट में तैरकर पार किए। ये ओपन वाटर स्विमिंग में ट्रिपल क्राउन हासिल करने वाले पहले भारतीय पुलिसकर्मी हैं। MWO श्री अंशु कुमार तिवारी ने स्काई डाइविंग प्रशिक्षण और डिस्पैचिंग के लिए रात में 250 घंटे सहित 2214 घंटे की उड़ान पूरी की। आपको 73 नाइट जंप सहित 1237 जंप का श्रेय हासिल है। 15 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय कार्यक्रम हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्काई डाइविंग प्रदर्शन जंप में इन्होंने भाग लिया। अक्टूबर 2020 में खारदुंगला लेह में एक अन्य वायु योद्धा के साथ दुनिया की सबसे ऊंची स्काई डाइविंग लैंडिंग करके सबसे अधिक ऊंचाई पर उतरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कठिन साहसिक खेलों के लिए मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल 2021 से सम्मानित हैं। 3,800 से अधिक सफलतापूर्वक जंप करके 500 से अधिक सशस्त्र बलकर्मियों को पैराशूटिंग और स्काई डाइविंग प्रशिक्षण प्रदान किया। श्री परवीन सिंह ने दो बार माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा सहित 20 से अधिक हिमालय चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। माउंट भागीरथी सेकंड BSF पैरा पर्वतारोहण अभियान के दौरान आपने अपनी रस्सी से दो पैरा पर्वतारोहियों की सहायता की। इन्होंने CAPF, NTRO, NEPA और म्यांमार पुलिस आदि के 3,000 से अधिक प्रशिक्षुओं को हाई एल्टीट्यूड लैंड एडवेंचर प्रशिक्षण प्रदान किया। 2013 में केदारनाथ में आपदा के दौरान कालीमठ घाटी में BSF राहत और पुनर्वास मिशन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 2015 में स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय स्वच्छ गंगा अभियान के अंतर्गत दिल्ली से गंगोत्री तक BSF स्वर्ण जयंती माउंटेन टेरेन बाइक साइकिलिंग अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 वर्ष 2022-23 में स्पोर्ट्स स्टार SS पुरस्कार से खेल प्रोत्साहन के लिए उत्तम विश्वविद्यालय के रूप में पुरस्कृत किया गया जैन विश्वविद्यालय का मानना है कि खेल रुचि के अलावा व्यवहार आजीविका विकल्प है और नवोदित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण तथा विकास प्रदान करता है ताकि उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता से समझौते किया बिना खेल उद्योग में पूर्ण पेशेवरों के रूप में विकसित होने के लिए सहायता की जा सके। सार्वजनिक उत्तरदायी और अग्रणी भावना की एक मजबूत भावना को पोषण करना है। 32 वर्षों से विश्वविद्यालय ने व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रशिक्षण निशुल्क प्रशिक्षण सुविधाएं और आवास तक निशुल्क प्रदान करके 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों का समर्थन किया है। आज इनके पास 10 ओलंपियंस हैं इस विश्वास के साथ कि आने वाले वर्षों में और अधिक खिलाड़ियों को ये सहायता प्रदान करेंगे। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर चैनराज रॉयचंद फाउंडर एंड चेयरमैन जैन यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी। OMC ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के अंतर्गत हॉकी को बढ़ावा देने हेतु अपना समर्थन और प्रतिबद्धता बढ़ाई है। हॉकी इंडिया के साथ उनकी साझेदारी टीम के प्रशिक्षण खेल उपस्कर तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भागीदारी में योगदान करने में सक्षम बनाती है जिससे उन्हें उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके। इसके अलावा OMC ने राज्यों में खेलों के विकास के लिए अपने वार्षिक लाभ का 3% निधि देने के लिए राज्य खेल और युवा सेवा विभाग ओडिशा सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
विभिन्न खेलविदाओं से जुड़े 12 खिलाड़ियों को आजीविका और खेल में उनके विकास में सहायता हेतु रोजगार प्रदान किया है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर बलवंत सिंह MD। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023। प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी वर्ष 1956-57 में संस्थापित की गई ये रनिंग ट्रॉफी है जो उस विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है जिसने खेलों में सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के विजेता को विश्वविद्यालय द्वारा 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और रोलिंग ट्रॉफी की एक छोटी प्रतिकृति दी जाती है। समग्र रूप से विजेता विश्वविद्यालय की सिफारिश करने के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब को वर्ष 2022-2023 की अवधि के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का विजेता घोषित किया है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू डॉक्टर कंवर मनदीप प्रोफेसर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू डॉक्टर कंवर मनदीप अर्जुन पुरस्कार 2023 श्री ओजस प्रवीण देवतले। सुश्री अदिति गोपीचंद स्वामी। श्री श्री शंकर M. सुश्री पारुल चौधरी। श्री मोहम्मद हुसामुद्दीन। सुश्री आर वैशाली। श्री मोहम्मद शामी। श्री अनुष अग्रवाला। सुश्री दिव्य कृति सिंह। सुश्री दीक्षा डागर। श्री कृष्ण बहादुर पाठक। सुश्री पुख रामबम सुशीला चानू। श्री पवन कुमार। सुश्री रीतु नेगी।
सुश्री नसरीन। सुश्री पिंकी। श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। श्री हरिंदर पाल सिंह संधु। सुश्री अहिका मुखर्जी। श्री सुनील कुमार। सुश्री अंतिम। सुश्री नावरेम रोशिबीना देवी।